Hello everyone, today's video is all about Java programming using constructor. But before this, I would like to inform you that kindly go and subscribe the Concept Clarity channel and press the bell icon to never to miss any update from Concept Clarity. And we have also made a Facebook group known as Concept Clarity. So to join the group, the link is given in the description box of this video. So kindly go and join the Facebook group of Concept Clarity. Now beginning with the topic, आज हम पढ़ेंगे जावा में कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या होता है और कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ होता है। ये एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक क्वेश्चन जावा हर हर बोर्ड में आता ही है, बी एड आईएससी बोर्ड और आईसीएससी बोर्ड। तो इसका अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो 10 मार्क्स का आपका प्रोग्राम 100% आएगा, 10 से 15 मार्क्स का। ये अपना इंडिविजुअल सेपरेट प्रोग्राम आता है, ये नहीं कि किसी के साथ मर्ज होके आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अगर आपको 100 मार्क्स का एम कर रहे हैं कंप्यूटर में। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि जावा कंस्ट्रक्टर होता क्या है। जावा कंस्ट्रक्टर एक मेथड या फंक्शन होता है जिसका नेम क्लास नेम के इक्वल होता है, मतलब जो क्लास का नेम होएगा वही जावा का नेम होएगा, जावा के कंस्ट्रक्टर का। दूसरी चीज़, कंस्ट्रक्टर में हम लोग बेसिकली दो टाइप के यूज़ करते हैं, एक इनिशियलाइजेशन वाला जिसमें हम लोग खुद वैल्यूज इनिशलाइज करवाएंगे कंस्ट्रक्टर में, और एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर को रन करवाने के लिए हमें कोई अलग सा प्रोग्राम नहीं बनाना, अलग सा कोई मेथड यूज़ नहीं कराना। कंस्ट्रक्टर अपने आप रन होएगा जब ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, मतलब जब आप अपना नॉर्मल प्रोग्राम रन करेंगे तो कंस्ट्रक्टर अपने आप रन हो जाएगा। उसके लिए हमें स्पेशली कोई मेथड टाइप नहीं करना पड़ेगा कि रन कंस्ट्रक्टर ये वो। तो कंस्ट्रक्टर के मेन तीन यूजेस की कंस्ट्रक्शन का नेम, कंस्ट्रक्टर का नेम वही होता है जो क्लास का नेम होता है। और कंस्ट्रक्टर दो टाइप के होते हैं, इनिशियल टाइप और डिफॉल्ट टाइप। एंड इनिशियल में हम इनिशलाइज करवाते हैं, दूसरा कंस्ट्रक्टर अपने आप रन होता है, उसके लिए कोई हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। और अगर हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो क्लास अपने आप एक कंस्ट्रक्टर ले लेती है और उसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब अगर हमारा प्रोग्राम में हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाने पर तब भी क्लास अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्टर बनाती है जिसमें वो हर वेरिएबल को इनिशलाइज कर लेती है इक्वल टू जीरो, और स्ट्रिंग को नल, कैरेक्टर को भी नल। तभी जैसे मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम्स में कहा था कि हम लोग जब भी प्रोडक्ट लेंगे तो पी इक्वल्स टू वन लेके चलेंगे, क्योंकि अगर हम पी इक्वल्स टू वन लेके नहीं चलेंगे प्रोडक्ट के लिए तो पी बाय डिफॉल्ट जीरो होगा। तो पी को बाय डिफॉल्ट जीरो कौन कर रहा है? ये कंस्ट्रक्टर। तो मतलब हम चाहे कंस्ट्रक्टर बनाए ना बनाए, कंप्यूटर एक अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा बनाता ही है। अब हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स इजी होता है, कुछ नहीं है। कंस्ट्रक्टर नेम, उसके बाद अंदर आपके जो भी है वेरिएबल्स वाला वो सब, यहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स आएंगे जिनको आपको इनिशलाइज करना है उन वेरिएबल्स को, और प्रोग्राम होगा आपका। फिर जो बेसिक प्रोग्राम चलेगा वही चलता रहेगा। ये आपका कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स है। ये एक बी एड बी नॉर्मल कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर होता है, या फिर कोई भी कंस्ट्रक्टर, सिंटेक्स सेम ही रहता है। अब हमारे बोर्ड में कैसे टाइप का प्रोग्राम आएगा, जैसे राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द एज, नेम एंड वर्किंग आवर्स ऑफ अ वर्कर। और उसके बाद उन्होंने दे दिया कि ये जो एज नेम है कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनपुट करवाने हैं, और दूसरा ये हमें बाकी उसके जो टोटल सैलरी है वो कैलकुलेट करनी है। टोटल सैलरी कितनी है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इंटू जो उसे पर आवर के रुपीज़ के मिले। मान लीजिए उसे पर आवर रुपीज़ 10 रुपीज़ मिले हैं तो फिर उसके थ्रू करवाने। तो हम लोग इसमें बेसिकली मैं आपको मेन जो दिखाऊंगी कॉन्सेप्ट वो ये बताऊंगी कि हम लोग कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ करें। बाकी जो वर्किंग आवर्स ऑफ द वर्कर ये सिंपल है, वर्किंग आवर्स जितने होंगे इंटू 10 करके हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा, वो एक बहुत इशू नहीं है। मेन इशू है कि हमें कंस्ट्रक्टर कैसे बनाना है। मान लीजिए मैंने क्लास क्रिएट करी वर्कर, उसके बाद पहले मैं एक और क्लास फिर लूँगी वर्कर। अगर मैं डिफॉल्ट टाइप कंस्ट्रक्टर बनाऊँगी तो उसमें क्या लूँगी, नेम मैं अपने आप स्टोर करवाऊंगी। नेम मान लीजिए मैंने ले लिया, स्ट्रिंग नेम होएगा ये। मान लीजिए मैं नेम लेती हूँ कुछ भी ले ले, जैसे अमित। उसके बाद मैं लूंगी इंट एज इज इक्वल्स टू
18 int hours, hours मैंने ले लिए मान लीजिए 10 ही, तो ये हमने इनपुट करवा दिया, ये हमारा क्या होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और मान लीजिए ये आप अगर चाहें तो यहाँ पे भी इनिशलाइज करा सकते हैं, या फिर आप ऊपर पहले से ही स्ट्रिंग नेम एज और आर्स करवा सकते हैं, कोई भी मेथड करवाइए सेम रहेगा। और इसका मेरे को कहा गया प्रोग्राम में कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है और एक दूसरा आपको बनाना है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो वो कैसे बनेगा, वर्कर इंट एज स्ट्रिंग नेम एज वन नेम वन, क्योंकि हम सेम यूज नहीं कर सकते, इंट आर वन। हम लोग क्या करेंगे इसकी वैल्यूज जो हमारी ऑलरेडी क्लास वेरिएबल्स है उनमें इनपुट करा देंगे, नेम में एन वन नेम वन, एज में एज वन और आर्स में आर वन, ये इनपुट करवा के सिंपली उसका हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट होएगा वॉइड मेन, उसके बाद हम लोग इनपुट कराएंगे एस ओ पी एल एन, पूरा कंस्ट्रक्टर रन होएगा अपने आप ही, उसमें हमें कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली एस ओ पी एल एन वर्किंग आवर्स इन डिस्प्ले करवा देंगे एच आर वन से और एस ओ पी एल एन एच आर से खाली, और रुपीस जितने कितने होंगे हमारे रुपीस हो जाएंगे 100 इंटू आर्स 10 इंटू आर्स और प्रोग्राम ओवर, सिंपल। इस प्रोग्राम को रन करेंगे, अगर मान लीजिए मैंने डायरेक्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन करवाया, मैंने इनपुट नहीं करवाया, मैंने डायरेक्ट इनपुट कराया, तो फिर कैसे आएगा कंस्ट्रक्टर रन होएगा, नेम डाल देगा अमित, उसके बाद नेम आएगा अमित, अमित के बाद ये लोग एज डिस्प्ले करेगा 18, आज डिस्प्ले करेगा 10, और उसके बाद क्या आएगा एस ओ पी एल एन रुपीज इंटू 100, 100 इंटू 10, 100 रुपीज का आंसर आ जाएगा आपका। एक और प्रोग्राम लेते हैं इजी वे में। अब हमने मान लीजिए एक प्रोग्राम लिया कि हमें स्टूडेंट के 3 मार्क्स इनपुट कराने हैं, M1, M2, M3, और उसका एवरेज निकालना है, ये कैसे होएगा और ये कैसे करेंगे। अब मैं डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर से शुरू कर रही हूँ, अगर हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है, ये हम लोग अभी डिफ़ॉल्ट के लिए करेंगे, तो कैसे होएगा, हम लोग क्लास स्टूडेंट ले लेंगे, उसके बाद सिंपली हम लोग पहले क्लास वेरिएबल्स लेंगे एंड M1 M2 M3 और एवरेज हम लोग डबल में लेंगे, क्योंकि एवरेज डबल में आ सकता है, डबल AVG इज इक्वल टू 0.0 और स्ट्रिंग S1, S1 में हम लोग S में क्या शो करेंगे स्टूडेंट का नेम, उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे डिफॉल्ट बस। अब हम लोग सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, M1 10 ले लीजिए, M2 20, M3 30 ले लीजिए मार्क्स, उसके बाद AVG इज इक्वल्स टू सिंपली हम लोग इसमें इनपुट करवा लेंगे, AVG का हमें ज़रूरत नहीं है अभी, हमें खाली इनपुट ही करवाना है, और हम लोग स्ट्रिंग एस में नेम BHP अमित ही ओनली, ये हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट जाएंगे दूसरे में और उसके बाद हम लोग खाली वही इनपुट करेंगे वॉइड मेन के थ्रू, सिंपल वॉइड मेन एवरेज निकाल लेंगे पहले M1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइड बाय 3 और SOPLN हम लोग स्टूडेंट के डिटेल्स पूरी इनपुट करवा और डिस्प्ले करवा देंगे, मार्क्स आर M1 M2 M3 डिस्प्ले करवा दीजिएगा आप, उसके बाद एवरेज के लिए SOPLN, एवरेज के लिए AVG और स्टूडेंट नेम S और प्रोग्राम ओवर। अब हम लोग ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम रन कैसे करेंगे ये एक अपने आप में बात है,
सिंपली प्रोग्राम रन होएगा, क्लास बन जाएगी स्टूडेंट, स्टूडेंट में फिर उसके बाद इनिशियल वेरिएबल्स ले लेंगे, एम वन एम टू एम थ्री इक्वल टू 0 हो जाएगा और एवरेज 0.0 हो जाएगा, स्ट्रिंग नल हो जाएगी। फिर उसके बाद जैसे ही कर्सर नीचे आएगा वो स्टूडेंट को डिक्लेयर करेगा, एक स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर बनेगा जिसमें वो ऑलरेडी एम वन इक्वल टू 10 ले लेगा, एम टू इक्वल टू 20 ले लेगा और एम थ्री इक्वल टू 30 हो जाएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट का जो नेम है वो भी स्टोर कर लेगा अमित, और जैसे हमने पता है सीधे वॉइड बिन में आएगा, एवरेज शो करेगा, जो भी एवरेज की वैल्यू आएगी वो दिखाएगा, और उसके बाद जो हमारे ये एसओपीएलएन स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपके आउटपुट में आ जाएंगे। सिंपल प्रोग्राम है, कुछ नहीं है, एज इट इज कंस्ट्रक्टर एक क्लास की तरह बिहेव कर रहा है। आपने देखा जो स्टूडेंट का नाम था, क्लास का नाम था स्टूडेंट, वही स्टूडेंट नाम बना, और नॉर्मली हमें बस वैल्यूज इनपुट कराई है कंस्ट्रक्टर में और डिस्प्ले कराए, कुछ एज इट इज, नया कोई लॉजिक इसमें है नहीं। अब हम लोग बात करते हैं सेम यही क्लास की पर इन अ डिफरेंट वे यूजिंग अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर इसको हम पैरामीटराइज में करें तो हम लोग कैसे लेंगे, क्लास स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग यहाँ पे वही दोबारा से इंट एम वन टू एम थ्री डबल ए वी जी इज इक्वल टू 0.0 और उसके बाद स्ट्रिंग एस नल। अब हम लोग क्या लेंगे, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमें ऑलरेडी टाइप वेरिएबल्स ले लेंगे, मैंने एम डबल वन ले लिया, इधर यहाँ पे इंट आएगा, मैंने इंट एम डबल टू डबल थ्री उसके बाद डबल एवरेज के लिए मैंने ए ले लिया और स्ट्रिंग एस वन। अब हमें क्या करना है, सिंपली ये जो वैल्यूज हमने जो ऊपर इनपुट कराई है पैरामीटर्स में उनको हमें इक्वल कर देना है क्लास वेरिएबल जो हम यहाँ पे ऊपर क्लास के नीचे डिक्लेयर करवा चुके हैं, इनको इसके इक्वल पुट करना है और कुछ नहीं करना। सिंपली एम वन इक्वल टू डबल एम वन, एम टू इज इक्वल टू डबल एम टू, एम थ्री इज इक्वल टू डबल एम थ्री और ए वी जी इज इक्वल टू ए और एस इज इक्वल टू एस वन। और जो लास्ट में मैंने पहले आपको दिखाया था हम लोग वॉइड मेन बनाएंगे और डिस्प्ले कर देंगे सारे जो भी होएगा। तो मैं बेसिकली आपको ये बताती हूँ कि आगे प्रोग्राम कैसे चलेगा। जैसे ही प्रोग्राम रन करेगा एम वन एम टू एम थ्री एवरेज और एस को जो हमने क्लास वेरिएबल समझ के इनको जो इनिशियल वैल्यूज दिए, पहले कंप्यूटर इनको इनिशियल वैल्यूज देगा एम वन इक्वल टू 0, एम टू इक्वल टू 0, एम थ्री इक्वल टू 0 और एवरेज 0.0 और स्ट्रिंग को नल ले लेगा। उसके बाद स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर रन होएगा, उसमें देखा गया पैरामीटराइज है तो ये एम वन एम टू एम थ्री आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे, वो आपसे मार्क्स मांगेंगे, आप मार्क्स इनपुट करेंगे या ए अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा एवरेज। इसको हमें यहाँ पे लेने की आपकी मर्जी जरूरत है नहीं है, इसको यहाँ पे हम नहीं लेंगे, एवरेज के लिए हम लोग उधर स्टेप करेंगे और स्ट्रिंग एस वन आपको वैल्यू इनपुट करवानी है और सिंपली आपको यहाँ पे अपने आप इन सबको कॉल करेंगे, एवरेज इनपुट होएगा, आउटपुट आपका आ जाएगा। बस ये डिफरेंस है एक स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर में और पैरामीटराइज में और नॉर्मल में। अब अगर आपसे डिफरेंस पूछने आ जाए कि स्ट्रिंग और उसमें क्या है पैरामीटराइज में और नॉर्मल में, तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नेम, उसके बाद यहाँ पे आपको वेरिएबल्स या आर्ग्यूमेंट सीखने पड़ेंगे और यहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स होंगे, इसे हम कहते हैं पैरामीटराइज। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसमें हमें वेरिएबल और ये कुछ सीखना होता और खाली हमें स्टेटमेंट्स में इनिशियल वैल्यूज हमें डालने का हमारा खुद का मन है, हम वो डाल देते हैं। ये डिफरेंस होता है एक वेरिएबल, एक पैरामीटराइज में और एक सिंपल में, इसे कहते हैं हम पैरामीटराइज और ये होता है डिफॉल्ट, ये डिफरेंस है। और पर बेसिकली हमें एग्जाम में आएगा कि दोनों बना के दीजिए पैरामीटराइज और डिफॉल्ट, तो हमें दोनों बनाना पड़ेगा। डिफॉल्ट में हम अपनी वैल्यूज डाल देंगे, पैरामीटराइज में हम लोग पैरामीटर्स ले लेंगे और उसमें हम लोग फिर क्लास वेरिएबल्स में वैल्यूज इनपुट कराएंगे और इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जनरली पूछा ही पूछा जाएगा और अगर आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होएगा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा जैसे क्लास राइट अ प्रोग्राम टू ये क्लास क्लास ये और फिर उसके बाद अदर फंक्शन आर, फंक्शन में आपको दिया जाएगा क्लास का जो भी नेम है स्टूडेंट, और अगर पैरामीटराइज हुआ तो वो ऑलरेडी देगा इंट इंट और जो भी पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको देगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स इनिशलाइज करवाने हैं,
ठीक है, ये हो गया आपका पैरामीटराइज के लिए। और अगर नॉर्मल दिया तो खाली स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन क्लोज करके ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आपको खुद वैल्यूज इनपुट करानी है। और अगर ये ऐसे दिया हुआ है तो मतलब हमें वैल्यूज़ यूज़र के थ्रू इनपुट करनी है, पैरामीटराइज है। जैसे हमने लास्ट टाइम M1, M2, M3 और स्ट्रिंग इनपुट करवानी थी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से, तो मेरे को क्वेश्चन में क्या आता, स्टूडेंट कितने इंट है यहाँ पे, M1, M2, M3, तो इंट ऐसे आता और हमें स्ट्रिंग इनपुट करानी थी और एक स्ट्रिंग आता, तो हमें ऐसे आता क्वेश्चन में लिखा हुआ। इससे आप समझ जाएंगे कि हमें चार करवाने हैं और हमारे को भी चाहिए चार, तो मतलब क्वेश्चन सही है और हमारा लॉजिक सही जा रहा है। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि पाँच छः हमें पैरामीटराइज कराने पर क्वेश्चन में चाहते, तो मतलब आपका कहीं लॉजिक गलत जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बिल्कुल सही दिया होगा। तो इससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपकी प्रोसेसिंग सही चल रही है कि नहीं चल रही है आपके प्रोग्राम की। कंस्ट्रक्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम आ सकते हैं। पहला आ सकता है टू कैलकुलेट द वर्कर्स वेज, जो मैंने अभी करवाया था, मार्क्स आ सकता है स्टूडेंट्स के। और उसके बाद आपके आ सकते हैं टू कैलकुलेट द इनकम और बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसके 10 ईयर्स में अगर आप देखेंगे उठा के तो। और वरना फिर टू कैलकुलेट द टोटल टैक्स, कैलकुलेट द बिल, कैलकुलेट द पेनल्टी, अगर लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन आएगा तो कि लाइब्रेरी से इतनी बुक ली थी, इतने दिन वापस नहीं करी तो कैसे होएगा। या दूसरा आएगा आपके पास, आप अपने 10 ईयर्स तो जरूर करेंगे क्योंकि 10 ईयर्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आपको ये आ सकता है कि आपको अपना टैक्सी ड्राइवर का टोटल अमाउंट कितना है, टेलीफोन बिल का क्वेश्चन आ सकता है, और काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। इस पर कोई ऐसा बेसिक नहीं है, पर ये नॉर्मली जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, अगर लास्ट 10 ईयर्स उठा कर देखेंगे आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, इनके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मिला तो मुश्किल से एक या दो मिलेगा, मेरे हिसाब से एक है भी नहीं ऐसे। तो प्लीज़ एक बार 10 ईयर्स ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, उससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद ये आती है कि हम लोग ये जो कर रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमें वैल्यू कंस्ट्रक्टर में डालनी है और कौन सी हमें कंस्ट्रक्टर में नहीं डालनी है। तो इसके लिए सबसे बेसिक एक वो होता है लॉजिक। कंस्ट्रक्टर में हम वो वैल्यूज डालेंगे जो हमें वो वाली डालनी होती है, यहाँ पे इंट वाली, जो हमें पता है कि वो वैल्यूज़ यूज़र इनपुट करेगा और उन वैल्यूज़ के बिना हमारा प्रोग्राम नहीं रन करेगा। जैसे जो कंप्यूटर अपने आप अज्यूम नहीं कर सकता, जैसे नेम है, नेम कंप्यूटर अज्यूम नहीं कर सकता, वो हमें ही डालना पड़ेगा तो वो यूज़र बेस्ड है। ऐसी एज, एज से कोई कैलकुलेशन है नहीं कि कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें डालना पड़ेगा। मार्क्स हमें डालने पड़ेंगे, जो वैल्यूज हम लोग डालेंगे उसके थ्रू होएगा, वही चलेगा। इससे हमें मतलब कुछ ऐसा नहीं कंप्यूटर अपने आप कर लेगा, मतलब जो बेसिक यूनिट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम और फॉर द आउटपुट, डिजायर आउटपुट दैट इज़ यूज फॉर द प्रोग्राम एंड दैट वी हैव टू एंटर इन द कंस्ट्रक्टर, रेस्ट द प्रोग्रामिंग विल बी कंडक्टेड बाय द प्रोसेसर और बाय द प्रोग्रामर। मतलब ये एक बेसिक वैल्यूज होती हैं जिनके बिना प्रोग्राम नहीं चलेगा। अगर ये बेसिक वैल्यूज डाल दें तो मतलब प्रोग्राम आपका रन करेगा। इसलिए हमें ये देखना है कि कौन कौन सी बेसिक वैल्यूज हमें चाहिए जो प्रोग्राम रन करनी है, उन्हें हम कंस्ट्रक्टर में डालेंगे। अब जैसे एवरेज है, एवरेज एक बेसिक वैल्यू नहीं है, एवरेज उससे हम लोग रन कर लेंगे। एवरेज की वैल्यू अगर हम नहीं भी डालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमें पता है एवरेज क्या कहते हैं, टोटल मार्क्स, अगर हमें मार्क्स इनपुट कराए हैं, टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ मार्क्स, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। तो इसका कोई ये नहीं कि अगर हम लोग इनपुट नहीं करवाएंगे कंस्ट्रक्टर में तो हमें कोई फर्क पड़ेगा। तो पर जो मार्क्स है, अगर मार्क्स हमने इनपुट नहीं करा तो हम लोग एवरेज नहीं निकाल पाएंगे, मतलब मार्क्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो कंस्ट्रक्टर में जाएगा ही जाएगा। और पर एवरेज एक डिपेंडेंट है, वो मतलब मार्क्स के ऊपर डिपेंड हो रहा है, तो मतलब उसकी वैल्यू किसी ऊपर डिपेंड है तो वो कंस्ट्रक्टर में नहीं जाएगा हमें, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज वो चाहिए जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। आप एक बार ये 10 ईयर्स का प्रोग्राम ट्राई करें और ये ध्यान रखें कि कंस्ट्रक्टर में जो भी वेरिएबल्स आएंगे, आर्ग्यूमेंट्स, वो होंगे इंडिपेंडेंट, जैसे नेम, मार्क्स, वर्किंग आवर्स वगैरह। और जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होएगा उसमें भी सेम ही बात है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर हम लोग खुद नेम्स इनपुट करेंगे वो उसी में जाएंगे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। जैसे हम लोग नेम वाला जो इसमें हम लोग ऊपर कंस्ट्रक्टर ऊपर
आर्गुमेंट्स ब्रैकेट में लिया है वो नीचे लेंगे हम लोग, पर कॉन्सेप्ट सही रहेगा, खाली इंडिपेंडेंट को हम लोग इनिशलाइज करेंगे, इंडिपेंडेंट की वैल्यू डालेंगे, बाकी डिपेंडेंट वो अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मार्क्स वाला एवरेज वाला कैलकुलेट जैसे करते हैं उससे कर लेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो काइंडली डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक द वीडियो, एंड योर इनपुट्स एंड कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज एंड योर queries will be answered shortly. Thank you.